नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिजनेस आजकल में और मैं स्वाति लेकर आई हूँ सारे लेटेस्ट अपडेट्स फॉर हेल्थ। तो चलिए बात करते हैं वैक्सीन COVID-19 के ऊपर कुछ। वैसे तो काफी लोग, काफी सारी दुनिया, काफी साइंटिस्ट सभी लगे हुए हैं कि वैक्सीन आ जाए ताकि लोगों की का डर खत्म हो जाए, लोग कोविड से अपने आप को सुरक्षित कर सके, लोग पहले की तरह अपनी जिंदगी जी पाए, पहले की तरह हर चीज नॉर्मल हो जाए। इसी पर एक खबर आई है ब्रिटेन में फाइनेंशियल टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार कि अब वहां के लोगों को जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, अब वहां के लोगों को कोरोना वायरस देकर अब उन्हें ट्रीटमेंट किया जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने। और क्या है उस फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा हुआ, आइए जानते हैं। ब्रिटेन टू होस्ट ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स फॉर वैक्सीन कोरोना वायरस। यस, एग्जैक्टली यही सुना है आपने। ब्रिटेन में प्लानिंग हो रही है कि अब वहां के लोगों को कैसे वॉलंटियर्स करें और डिलीबरेटली इन्फेक्ट किया जाए, कोरोना वायरस से इन्फेक्ट किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और वो भी एक दो पांच लोगों को नहीं, पूरे 2000 लोगों को, और जिसकी रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है और जिसका काम जनवरी से चालू होगा। इसके लिए वॉलंटियर्स भी हायर किए गए हैं, लंदन में क्वारंटाइन फैसिलिटी भी बनाई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए कोरोना वायरस की तरफ से। नहीं, मैंने इसलिए नहीं बोला कि कोरोना वायरस ने कुछ अच्छी खबर दी है, जबकि हमारे देश में ये COVID-19 से लोग जितने संक्रमित हो रहे हैं, अब खबर ऐसी आई है कि अब लोग अच्छे भी हो रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। एज फॉर सितंबर 23 के अनुसार न्यू रिकवरीज इन इंडिया में ये बढ़कर एक्सीड हो गई है 81% तक। और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से आंकड़े जो आए हैं वहां से ये कहा जा रहा है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा भी कंट्री को ये शो करता है कि पर डे हमारे देश में 12 लाख से ऊपर टेस्टिंग हो रही है और 6.6 करोड़ तक अभी तक ये टेस्टिंग कोरोना वायरस की COVID-19 की हो चुकी है। एक और डाटा के अनुसार कंट्री ने रिकॉर्डेड 89,746 रिकवरीज हैं लास्ट 24 आवर्स में हमारे इंडिया में, और ये नंबर्स हैं कंफर्म केसेस जो आ जाए हैं 83,347 जो कि अभी हैं। और इसी से जुड़े एक नए डाटा आए हैं महाराष्ट्र से, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र 18,000 केसेस दे रहा है, वहीं पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ये 7,000 से ज्यादा नहीं है। लेकिन अब हमारे कर्नाटक में भी इसकी काफी अच्छी COVID-19 के खिलाफ जो भी लोग ठीक हो रहे हैं वो भी एक बहुत अच्छी खबर है। और इसके ऊपर लोगों का संक्रमित जो भी है वो अब COVID-19 से डाउन होता जा रहा है, अब लोग रिकवरी ज्यादा कर रहे हैं और ये बढ़कर हमारे ऑल ओवर इंडिया में 81% हो चुका है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमारे लोग जो भी उनके घर पे भी जैसे भी लोग रह रहे हैं वो सभी अगर कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो गए हैं तो वो लोग बहुत जल्द ठीक हो जाएं और हमारे देश में वापस से खुशियां लौट आए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले अपडेट पे, अगले कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं स्वाति सिंह आपसे अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।